क्या बात है मेरिन, सालार को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? हाँ, और साहिबा बता रही थी कि कल सालार ने कैमरा बहुत ही औने पौने कीमत में बेचा है। कोई जरूरत थी क्या? सलार एक फुल लेंथ पिक्चर भी, मेरा पूरा ड्रेस आना चाहिए, ठीक है? ताहिर, मुझे आप घर लीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। टीचिंग, मगर ये तो जॉब है ना। हाँ तो बाद में भी तो जॉब करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? और फिर पार्ट टाइम में इससे अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है? जॉब करने से सलार ने मना कर दिया है। खुद तो कुछ करता नहीं, तुम्हें क्यों मना करा जॉब करने से? माँ बाप से नाराज हो गया, खर्चे कैसे चलेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है? तुम्हें पता है वो कितना गैर जिम्मेदार है? मगर जिद्दी भी है। तो उसकी जिद की वजह से तुम लोगों की बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस दफा उनकी जिद उनको जिम्मेदार बना दे। वो जिम्मेदार होके भी कुछ नहीं कर सकता सितारा, उसका बिजनेस में दिल ही नहीं लगता। गैरत बहुत है उनमें। सितारा बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। अच्छा, अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती सही से। अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो आपको समझने के लिए भी एक ट्यूशन लगवा दें। मुझे समझने के लिए? आप भी मेरी समझ में नहीं आता। तुम कोशिश भी तो नहीं करती। एनीवेज खैर, फॉरगेट एवरीथिंग, आई एम सीरियस। अगर तुम्हें मुश्किल है ना तो ट्यूशन लगवा लो। ठीक है, लेकिन जब आपकी जॉब हो जाएगी उसके बाद लगवा लो। तो तुम्हें पैसे दिए हैं, उसी से लगवा लो। और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? और आ जाएंगे। और वो और कहाँ से आएंगे? कहीं से भी आ सकते हैं यार। कहीं से भी? मतलब? मतलब तुम्हारे लिए कहीं से कुछ भी करके लो।
क्या कह रहा था ताहिर? क्या करती फिर रही है तुम्हारी बेटी? ये लड़की तो इम्तिहान बनती जा रही है। को हमें जाने के लिए वहां मना कर रहे थे और खुद वहां क्या कर रहे थे? काम करने गया था मॉम। ये इसको तुम काम कहते हो? लोगों को रोक रोक कर उनकी तस्वीरें बनाना, यही रह गया था तुम्हारे लिए क्या? मैं थक गया हूँ डैड, बाद में बात करें। थक मैं भी गया हूँ बेटा, बहुत थक गया हूँ मैं। तुम्हारी गलतियों को सुधार सुधार के थक गया हूँ मैं। तुम जिस तरह हमें जलील करते रहे हो, मैं जलील होते होते थक गया हूँ।